किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनोज चौधरी व्लॉग्स व फेसबुक पेज पर। फेसबुक पर हमारा चैनल है मनोज चौधरी व्लॉग्स के नाम से पेज है, उसे भी आप फॉलो करें। किसान भाई, धान लगाने के बाद पहला यूरिया व जिंक लगाने का सही समय होना चाहिए। किसान भाई अच्छी फसल व ट्रिलिंग लेने के लिए दुकानदारों के पास जाते हैं, दुकानदार उन्हें तरह तरह के प्रोडक्ट दे देते हैं, इससे किसान भाई का पैसा फालतू लगता है और रिजल्ट बहुत कम मिलता है। मिलता है तो कुछ दिन बाद ही फसल पीली पड़नी शुरू हो जाती है। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसान भाई फसल धान की फसल में पहले पानी के साथ क्या लगाएं, जिससे कि आपको अच्छे कल्ले व अच्छी ग्रोथ धान में मिले और धान आपका हरा भरा रहे और क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा हो धान के अंदर, टिलिंग ज़्यादा हो। इसलिए आज आपको बताने वाले हैं कि धान की फसल में क्या लगाएं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को स्किप मत करना। ऐसा ना हो कि कोई जानकारी हो और वो जानकारी छूट जाए, आप कहें कि हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिला। तो किसान भाइयों, आप अच्छी फसल लेने के लिए 50 किलो यूरिया एकड़ का, 10 किलो सल्फर, 10 किलो सागरिका और 10 किलो फेरस सल्फेट, किसान भाई इन्हें अपने खेत में मिलाकर डाल दे। 8 से 10 दिन में आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छी टिलिंग होगी, रंग बिल्कुल हरा हो जाएगा और खेत एकदम सुंदर भरा हुआ दिखेगा, जिससे कि आपका पैसा भी बचेगा और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। आपने वीडियो देखी होंगी किसान भाइयों कि 30 से 32 कुंटल एकड़ की, तो किसान भाई अगर 30 से 32 कुंटल एकड़ की फसल लेनी है आपको, तो आप हमारा वीडियो डेली देखें। हम आपको धान की वीडियो रोज़ उपलब्ध कराएंगे, नीचे क्या डालना है, मर्ज क्या है धान में, आप कौन सी दवाई लगानी है, आप हमारी हर एक वीडियो देखें तो आपको पूरा 30 से 32 कुंटल एकड़ का धान निकलेगा आपके खेत में। किसान भाई और जो ये मेरे धान देख रहे हैं, मैंने इनमें यही फार्मूला लगाया है। मैं प्रैक्टिकल करके जब वीडियो बनाता हूँ, थ्योरी पर काम नहीं करता मैं। और किसान भाइयों, अगर किसी किसान भाई के धान टिलिंग नहीं कर रहे हों या जड़ उनकी काली पड़ रही हो, नई जड़ें नहीं आ रही हों, नई रूट नहीं आ रहे उनमें, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के डालूँगा किसान भाइयों। और किसान भाइयों, ये जो हमारे धान आप देख रहे हैं, इनमें मैंने कल 11 वालों की जिनटेक 700 का स्प्रे करा है और मैं इसका आपको 8 दिन में रिजल्ट दिखाऊंगा कि धान कितनी क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, कितनी ग्रोथ करते हैं, कितना धान शानदार होता है। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।